और आज है मेरा बर्थडे, तो आज मैं मेरे बर्थडे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैं हूँ मेरे मायके में, कुछ दिन पहले मैं आ गई थी और अभी और कुछ दिन मैं रहूँगी, तो आज आपको यहीं का व्लॉग देखने को मिलेगा। बाहर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन आज नहीं होगा, बिकॉज आज मेरा फास्ट है, आज है थर्सडे, तो इस वजह से बाहर कभी अभी जाएंगे नहीं और आज रात भी नहीं आ पाएंगे, तो बाद में फिर कभी, मतलब बर्थडे बाद में कभी सेलिब्रेट करेंगे, आज छोटा मोटा कर लेंगे। तो अभी मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, मतलब तैयार नहा लिया है मैंने और येलो पहना है, क्योंकि बृहस्पतिवार का आज मेरा व्रत है, तो उसमें येलो ही पहन के पूजा करते हैं और येलो चीज़ें ही खाते हैं। तो अभी पहले फटाफट पूजा के लिए चलते हैं, क्योंकि घर में केले का पेड़ नहीं है, पड़ोस में है और वो भी छत पे, और धूप अभी काफ़ी हो गई है, तो पहले पूजा करके आते हैं, फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। पूजा मेरी हो गई और मैंने आके चाय भी पी ली, और अभी मम्मी पीछे पड़ी हुई है कि कुछ ले 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 ले, बर्थडे पे आई हुई, क्योंकि मैं शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है, मतलब 3 साल हो गए मेरी शादी को और ये पहला है कि मैं यहाँ पे मना रही हूँ, तो बोल रही कुछ साड़ी वगैरह ले ले, तो यहाँ पे पास में एक शॉप ओपन हुई है, वहाँ पे जाके देखते हैं। वैसे मुझे लेनी नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लास्ट व्लॉग्स में देखा होगा मैंने काफ़ी सारी ली है, बट कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लूँगी। वैसे जहाँ तक है, मतलब मन में यही बना के गई हूँ कि नहीं लेना है, बट अगर कुछ समझ में आ गया तो ले लूँगी, अगर मेरी अंतरात्मा ने मुझे बोल दिया कि नहीं ये ले लो तब मैं ले लूँगी। तो चलिए चलते हैं, मम्मी वेट कर रही है। अभी हम घर आ चुके हैं और साड़ी मैंने नहीं ली है, मुझे पसंद आ गई थी बट इसलिए नहीं ली कि उन्होंने बोला कि शाम को और भी अच्छी साड़ी आ जाएगी, तो मैंने सोचा ठीक है पसंद आ गई है ये, अगर शाम को और देख लेंगे नहीं आएगी तो फिर ये तो मैं ले ही जाऊंगी। और अभी हम ठेली ठेली कर ले हैं, ठेली ठेली हच दो, लादे लादे कर लो, लादे लादे कर दो, तो जरा इसकी खाने की चीज़ें दे रही है। और मैं एक चीज़ देख रही हूँ, पूरी वीडियो में मेरे ये ग्रे हेयर दिख रहे हैं, बट मैंने एक चीज़ सीखी है इनसे कि आप जैसे हो आप अपने आप को उसी तरीके से मतलब एक्सेप्ट करो, मतलब मैं अगर चाहूँ तो इन्हें छुपा भी सकती हूँ बट मैं नहीं छुपाती, क्योंकि ठीक है ना अब है तो है, आप कवर कर लोगे बट वो चीज़ कहीं जाएगी नहीं। तो पहले तो ये था कि मैं मेहंदी वगैरह लगा लेती थी बट अब नहीं लगाती, अब जैसा जो है वैसा ही है भाई, अब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने आप को बदल तो सकते नहीं हम, है ना चीनी, चीनी है ना, इतनी गंदी चीनी हूँ मैं बहुत गंदी चीनी हूँ, मैं लोई लोई गलती लेती हूँ बच। हाय तो बोलो, हाय बोल दो। तो अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी सब जा चुके हैं, यहाँ मंदिर में शिव महापुराण चल रही है, तो मम्मी और पापा मैं वहाँ गए हुए, और मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी और इस जनाब को नींद नहीं है, तो बस ये और मैं बचे हैं, इसको पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, उससे खेलता रहता है ये देखो, यहाँ इसके इतने खिलौने रखे हुए हैं, ये सारे वेस्ट हैं, इसको चाहिए डब्बे क्रीम, ये सब चाहिए, चीज़ें चाहिए इसको खेलने के लिए, नो।
और आप सब मुझसे बोल रहे हैं सुबह से, मतलब कि आप ऐसे कैसे रह रहे हो, मतलब कुछ ऐसा पहना नहीं आपने, ये नहीं करा वो नहीं करा। येलो तो मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ऊपर से आज मैंने बाल भी नहीं बनाए, पता नहीं क्यों आज मन ही नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है ना कि आपका मन ही नहीं करता किसी चीज़ के लिए, तो आज बस वही दिन है कि मेरा किसी भी चीज़ के लिए मन नहीं कर रहा है, और रीज़न मुझे पता नहीं कि क्यों मन नहीं कर रहा। मेरे साथ बहुत होता है ऐसे कि कभी कभी बस चुपचाप रहने का मन करता है। इसको भी बोलना है, क्या बोलना है? अच्छा ये लेना है, अच्छा ये देख लो, सब चीज चाहिए इसको मुंह में। गंदी गंदी बच्ची, गुच्छा नहीं दूंगी। आप मुझे एक बात बताओ, आप खिलौने से क्यों नहीं खेलते हो? ये खिलौनों से क्यों नहीं खेलते हो? इसमें क्या है अच्छा? क्या है इसमें अच्छा? गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। अच्छी बच्ची है, हैं अच्छी बच्ची है। बाल देखो बाल। और इस बार बर्थडे पे मैं अपना बर्थडे केक भी नहीं खा पाई क्योंकि आज मेरा फास्ट है, इस वजह से मैंने केक नहीं खाया। यहाँ पे मम्मी बोली चल मुंह पे तो लगा ले वीडियो के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा मुंह पे लगाया, बाकी मैंने केक भी इस बार नहीं खाया है। सो गाइस अभी हमारा डिनर हो गया है और अभी मेरा मूड एकदम अच्छा है, मतलब मूड पहले भी ख़राब नहीं था, बट थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि राज ने मुझे सरप्राइज़ दिया आके। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, बट वो आए तो अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपकी शादी हो जाती है, साथ में रहते हैं तो एक हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है साथ में रहने की। बस वही बात थी, इस वजह से मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, बट अभी अच्छा अच्छा मूड है। तो इस अच्छे मूड के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।